दोस्तों अभी हाल ही में आई फिल्म जवान, और जवान खूब अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, पैसे कमा रही है, खूब धड़ल्ले से जो है पब्लिक को अपनी तरफ खींच रही है, पैसा बटोर रही है। लेकिन इस बीच कुछ लोग जो है, जो दिमाग से शायद क्या ही है मैं नहीं बता सकता, वो इस फिल्म को कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है वो कचरा है। भाई क्या दिख रहा है आपको कचरा है? इसमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई गई हो जो आपको कचरा लगी हो? उल्टे इस फिल्म में कुछ ऐसे मैसेज दिए गए हैं, कुछ संदेश दिए गए हैं जो समाज के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है, जैसे कि सिनेमा वालों के लिए या हमारे लिए, कि समाज फिल्में जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, दर्पण होती हैं, और हर फिल्म में एक एक ना एक मैसेज छुपा हुआ होता है। तो आप लोग जो है उस मैसेज को नहीं देख रहे हैं, आप लोग उस फिल्म में एक व्यक्ति की एक जर्नी दिखाई गई है, यात्रा दिखाई गई है, आप उसको ना देख करके उसमें से कचरा चीज़ें ढूंढ रहे हैं। कचरा, ये फिल्म कचरा है, वो फिल्म कचरा है, किसको किसको कचरा बोलोगे? जब कोई अदर फिल्म आती है, कोई अदर इंडस्ट्री की फिल्म आती है, तब आप लोग छत्ता कूदते हो, यार वहाँ की फिल्में देखो, वहाँ की फिल्में देखो। अरे जब बॉलीवुड की फिल्म आई है तो फिर उसको कचरा क्यों बता रहे हो? भाई माना कि इसको दक्षिण भारतीय स्टाइल में बनाया गया, साउथ इंडियन फिल्म स्टाइल में बनाया गया है, और चार पांच खामियां नहीं 10 खामियां भी होंगी, लेकिन खामियां एक तरफ हैं लेकिन उसकी कुछ अच्छाई भी है। उस फिल्म में शाहरुख खान का जो एक मोनोलॉग टाइप में डायलॉग है, क्या नेताओं को भिगो भिगो के मारा है, मतलब भिगो दिया पूरा नेताओं को। तो इसके लिए आप बोल दोगे कचरा है? क्या लाजवाब एक्शन है, क्या लाजवाब एक्टिंग है? भाई मास फिल्म है, तो मास फिल्म में अगर आप बहुत चीज़ें ढूंढने लग जाओगे तो बहुत सारी कमियां निकल आएंगी, लेकिन पब्लिक को तो पसंद आ रही है, तो ऐसे तो फिर कहें कि हाँ गदर 2 में भी ये सारी खामियां थी, तो कुछ लोग उसको भी कचरा बोल देंगे। सारी फिल्में कचरा नहीं होती। आप लोग किस दृष्टिकोण से फिल्म देखने जा रहे हैं, आपका नज़रिया क्या है? तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और फिल्म को फिल्म की तरह से देखने जाएं। बात यह है कि जब कोई हॉलीवुड की फिल्म आती है, वो कितनी भी घटिया क्यों ना हो, कितनी भी बेकार क्यों ना हो, अगर वो अपने यहाँ आ गई और उसको आपने कहीं से घेर घार के, घुस घास के, या दो चार वेबसाइट्स हैं उनसे खींच खांच के देख लिया, तो उसकी जो है इसी तारीफ के पुल बांध देंगे, जैसे लग रहा है उसके प्रोड्यूसर ने इनको अलग से पैसे भेजे हैं कि नहीं बेटा तुम तारीफ करना। अपने यहाँ की फिल्में आती हैं तो क्यों ऐसा रवैया दिखाते हो, सोशल मीडिया पे फिर गुस्सा निकालते हो? सेलिब्रेट करो भाई, कोई हिंदुस्तान की फिल्म, अपने भारत की फिल्म जो है प्रदर्शन अच्छा कर रही है, विदेशों से पैसे ला रही है। देखिए दंगल रिलीज हुई, चीन से पैसा बटोर के लाई, अभी तक हाइएस्ट कमाई करने वाली भी दंगल पहले नंबर पे है। आप वर्ल्ड वाइड फिल्मों की लिस्ट उठाकर देखिए, जिसमें जो अमेरिका वगैरह की फिल्में हैं जो लगभग 5,000, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 10,000 करोड़, 18,000, 19,000 करोड़ तक कमा के बैठी हैं, उनकी उनके आगे आपकी फिल्में कहाँ तक टिकती हैं? अगर कमर्शियली देखा जाए तो वहाँ की फिल्में और यहाँ की फिल्में, तो कुछ फिल्में जो है अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, ये और अच्छा कर सकती हैं, लेकिन आप लोग इस तरह से उन्हें हतोत्साहित कर देंगे तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, ये गलत बात है। वीडियो जिसको पसंद आए तो अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी देखिए अगर फिल्में बाहर से पैसा लेकर के आएंगी तो जाहिर सी बात है अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भाई पैसा देश में ही आएगा, कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा, उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा, टैक्स जो है वो भारत सरकार को देंगे, उसी टैक्स से अपने देश में विकास होता है। तो ये सब चीज़ें मैं कोई ज्ञान की बातें नहीं बता रहा हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, कहीं ज़्यादा मुझसे पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये सब ऐसे शब्द जो हैं, ये शब्द जो हैं इनका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। फिल्म आपको नहीं अच्छी लगी है कोई बात नहीं, कुछ चार शब्द बोल डाली कि हाँ भाई फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगी, कुछ है इन कचरा है, ये है वो है, ऐसी की तैसी, वैसी की वैसी, ये सब जो है शब्द निकालना उचित नहीं है। जिस सुपरस्टार को आपने, सब में से जितने भी लोग कचरा बोल रहे हैं, इन्होंने पहले भी शाहरुख खान की फिल्में जो देख के बड़े हुए होंगे, शाहरुख खान की फिल्में देख रहे होंगे,
ऐसे हाथ फैलाते होंगे, ऐसे जो है हकला के डायलॉग बोलते होंगे, ककिरन बोलते होंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि फेसबुक पे टाइम बिता रहे हैं, इंस्टाग्राम पे टाइम बिता रहे हैं, तो यहाँ वहाँ की बातें लेकर के अपना अपना ज्ञान फैल रहे हैं, इसको कचरा बोल रहे हैं, उसको कचरा बोल रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा सा जो अपना नज़रिया है, आप लोग जो बदलिए फिल्मों के प्रति, अच्छी फिल्में देखनी है और अच्छी फिल्में देखनी है तो अपने ही भारत की कई फिल्में देख डालिए। बिमल राय की फिल्में देखिए, सत्यजीत रे साहब की फिल्में देखिए, ऋत्विक घटक की फिल्म देखिए, मृणाल सेन की फिल्में देखिए, ऐसे निर्देशकों की फिल्में देखिए, पार्थो घोष की फिल्में देखिए, गोविंद निहलानी की फिल्में देखिए, अच्छी फिल्में देखिए, बहुत अच्छी फिल्में देखिए। नहीं, इनको भी देख के आप कुछ दिन में कह देंगे नहीं ये तो कचरा है। तो आप कचरा, कचरा का मतलब क्या होता है? कौन सी फिल्म जो है आप में से बहुत लोग जो हैं, हो सकता है आपके लिए फिल्म जो है एवेंजर, या फिर आप कह सकते हैं उसी स्टाइल की कई बड़ी बनी फिल्में जो मार्वल ने बनाई हैं, जो डीसी ने बनाई हैं, वो हो सकता है आपको सर्वकालिक महान फिल्मों में लगे। लेकिन अंधो ऐसा नहीं है, वो भी एक मास एंटरटेनमेंट सिनेमा है। अगर आपको सिनेमा की समझ नहीं है तो सिनेमा को थोड़ा सा जानिए, उसके इतिहास को जानिए, सिनेमा को अंदर से जानिए। जैसे मुझे सिनेमा की कोई समझ नहीं है, मैं पहले ये सब मुझे पता नहीं था कि ये मास एंटरटेनमेंट क्या होता है, ये कौन सी फिल्में हैं, ये क्या है, ये कल्ट क्लासिक क्या है, ये वो। लेकिन थोड़ा सा मैंने बारीकी से सिनेमा को देखा, हालांकि बहुत सिनेमा नहीं देख पाया हूँ। दोस्त, मैं बता दूँ कि जब मैं रंगमंच करता था, यानी थिएटर करता था, और मैं लखनऊ में रहता था, मैंने तकरीबन हर वो फिल्म देखी सिनेमा हॉल में जो उस समय रिलीज होती थी। यानी कि लगभग 3-4 साल के अंदर मैंने 100 के ऊपर फिल्में देख डाली सिनेमा हॉल में। मतलब हर एक सिनेमा हॉल में लखनऊ में जाकर के मैंने फिल्म देखी, सिंगल स्क्रीन जितने भी थे उस टाइम के। तो मैं फिल्मों में यही देखने आता था कि हाँ कौन सी फिल्म कैसे बनी है, किसने बनाई है। फिल्म के हीरो से ज़्यादा मुझे दिलचस्पी निर्देशकों में होती थी, उसकी टेक्निकल टीम में होती थी। लिखा किसने, संवाद किसने लिखे हैं, संगीत किसने दिया है, लिरिक्स राइटर इसके कौन हैं। तो मुझे थोड़ा सा सिनेमा की समझ हुई। उसके बाद फिर हमने देखा कि और सारी भी कई फिल्में जो मुझे देखनी चाहिए, तो यूट्यूब से खोज खोज करके मैंने देखना शुरू किया। श्याम बेनेगल की फिल्में देखिए, क्या सामाजिक ताने बाने के साथ उन्होंने फिल्में बनाई हैं। तो आप लोग जो हैं किन किन फिल्मों को जो है कचरा बोलेंगे? तो यानी कि आपको अच्छे सिनेमा की समझ नहीं, या सिनेमा देखना नहीं चाहते। अगर आप सिनेमाई दृष्टिकोण से फिल्म देखने जाएंगे तो आपको अच्छी लगेंगी, वही फिल्में प्यारी लगेंगी, और कहीं ना कहीं जो कुछ उनका मोटिव होता है, जो संदेश होता है, वो आप तक पहुँचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते। और वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। जय राम जी की।